भगवान के पास वही जा सकता जिसे भगवान बुलाए। भगवान के पास सब नहीं जाते। देखो कथा में, इस लंदन में कितने लोग नहीं रहते, लाखों भारतीय रहते कि नहीं बोलिए, रहते हैं, पर बैठे कौन है? जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा राम की होई। पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, हाँ ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हो, पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो। जिस पर राम जी कृपा कर देते हैं उस पर फिर सब कृपा करते हैं। अच्छा, भगवान को जान कौन सकता? क्या सबकी बस की बात है? बोलिए, भगवान को जानना क्या सबकी बस की बात? अरे भगवान की कथा में आना बस की बात नहीं है सबकी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम, राम जी की कथा में आता कौन? जिसे राम जी बुलाए। सब नहीं आते, जिसे प्रभु बुलाएं। हमारा मानना है, आप लोगों को लगता होगा कि हम कथा में आए हैं, हमें लगता है प्रभु ने आपको बुलाया है, वरना कई लोग घर से बाहर निकलते चलो कथा में जाना है, लेकिन सबके पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने? अच्छा, मगर का पैर, पंडित जी आप तो वृंदावन के हैं, विद्वान हैं, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन महाराज जी मगर का पैर, मगर ने सबका पैर पकड़ा। हनुमान जी का पैर भी एक मगरिया ने पकड़ा था, एक हाथी का पैर भी भागवत में मगर ने पकड़ा था। अच्छा, हमारा और आपका पैर भी सब लोगों का पैर मगर ने पकड़ रखा। कई बार व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, उससे कहो क्यों इंग्लैंड में बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे, तुम कथा सुनने नहीं गए? तो वो कहता है जाना तो था मगर। जाना तो था मगर। और कई लोग तो कहते अरे यार क्या बताएं, हेलो, हाँ इंडिया से बोल रहे, और बताओ बागेश्वर वाले गुरु जी तुम्हारे यहाँ, तुम कथा में गए? अरे यार क्या बताएं भैया, क्यों क्या हुआ? अरे हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी पार्क में लगा दी, लेकिन मगर। देखो कितनी अच्छी बात है, मगर ने पैर सबका पकड़ रखा, लेकिन जो मगर के ऊपर भी पैर मार कर आता है वही प्रभु की कथा को पाता है। तो हमें लगता है कि जितने लोग हॉल में बैठे फुल भर गया हॉल, बाहर भी कुछ लोग खड़े, हमारा मानना है कि लंदन में जितने लोग यहां कथा में बैठे इन्होंने मगर को आज पैर मार दिया, इसलिए मगर को पैर मारने के कारण यहां कथा में बैठे। अच्छा, हनुमान जी अगर मगरिया को पैर ना मारते तो क्या होता? जय जय, वो हाथी, हाथी की कथा सबने सुनी होगी भागवत की, मगर ने पैर पकड़ लिया हाथी का पैर। अगर हाथी का पैर मगर को काटने के लिए प्रभु अपना चक्र सुदर्शन नहीं छोड़ते तो क्या हाथी डूब नहीं जाता? डूब जाता। उसी प्रकार आज अगर तुम कथा में ना आते तो पता नहीं कहां होते। कुछ लोग कसीनो में होते, यहां आके कल हमने सुना, महाराज जी ने हमें बताया, बोले यहां एक कसीनो होता है। हमने कहा ये कसीनो में क्या होता है? बोले कमीनों का कसीनो होता है। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हमने उसका अर्थ निकाला, इन्होंने कहा कसीनो, हमें कमीनो सुनाई दिया। तो हमने पूछा कि ये कसीनो क्या होता है? बोले वहाँ जीवा खेला जाता है, ये वो दुनियादारी गंदी बातें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने उसका अर्थ निकाला, हमने कहा कमीनो का कसीनो।
वहां जाते ही कौन है जय जय सीताराम, हम नहीं बोलेंगे अपने पवित्र मुंह से, आप लोग समझदार लोग हो क्या बताना है? तो देखो भगवान की कितनी कृपा, आपने मगर पे पैर मारा, आप कथा में आ गए और हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज आपके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे धन्य हो रहे होंगे अपने आप में कि हमारे वंश में ऐसा बेटा जाया है जो भगवान की कथा सुन करके उन पितरों को भी तरन तारण कर रहा है। ये सबकी बस की बात नहीं है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, भगवान की भक्ति अमीरों की बात है, धन के अमीर नहीं, दिल के अमीर है? कौन से अमीर? दिल के अमीरों की बात। आहा।